मधुपुर 03681 आसनसोल झाझा सवारी ट्रेन में सफर कर रहे मधुपुर थाना क्षेत्र के कुर्मीडीही पथार गांव निवासी रेल यात्री सुरेश भोक्ता का पर्स पॉकेट मारी कर भाग रहे एक युवक को रंगे हाथ मधुपुर आरपीएफ के कांस्टेबल सुबोध कुमार किशोरी पासवान ने पकड़कर मधुपुर रेल थाना को सौंप दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है रेल यात्री आसनसोल झाझा सवारी गाड़ी से मधुपुर अपने घर आ रहा था। इसी बीच ट्रेन में रेल यात्री का पॉकेट से पर्स निकाल रहा था, उसी क्रम में आरपीएफ ने उसके हाथ को पकड़ लिया, पर्स नीचे गिर गया। पॉकेट मार को ड्यूटी में तैनात आरपीएफ जीआरपी के जवान ने धर दबोचा। पकड़े गए पॉकेट मार को मधुपुर आरपीएफ के द्वारा रेल थाने लाया गया, जहां पुलिस द्वारा पूछताछ में पकड़े गए पॉकेट मार की पहचान इफ्तिखार खान सबेजोड़ नवाडीही थाना बुढ़ई के रूप में की गई। पुलिस ने उसके पास से दो पर्स मिला, एक पर्स में 1410 रुपये, दूसरे पर्स में 70 रुपये समेत एक मोबाइल बरामद किया गया। पकड़े गए युवक को अनुमंडलीय अस्पताल में सामान्य जांच के बाद राज्य रेल पुलिस ने रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया, जहां आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मौके पर रेल पुलिस के एएसआई साहबराम मुर्मू, कांस्टेबल दीपक केसरी, बबली कुमारी मौजूद थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।